संक्षिप्त शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता विंध्य की तपस्या ओमकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओमकार तीर्थ में सर्वपातक हारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके आविर्भाव की कथा सुनाइए। सोजी बोले, महर्षियों, ओमकार तीर्थ में परमेश्वर संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जाकर के बड़ी भक्ति के साथ उसकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहां सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती है, इस भाव को मन में लेकर के विंध्याचल नारद जी के सामने खड़े हो गए। उनकी वह अभिमान भरी बात सुनकर के अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींच करके चुपचाप खड़े रह गए। ये देख करके विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहां कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा, भैया, तुम्हारे यहां सब कुछ है, फिर भी मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा, उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर के नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दी। परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त तो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा, ऐसा हार्दिक निश्चय करके मैं भगवान शंकर जी की शरण में गया। तदंतर जहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है वहाँ प्रसन्नता पूर्वक जाकर के उसने शिव की पार्थिक मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर होकर के वे अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देख करके पार्थिपति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो गए। उस समय उनसे बोले, विंध्य, तुम मनवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभीष्ट वर देने वाला हूं और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। विंध्य बोला, देवेश्वर शंभु, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु, आप यहां स्थिर रूप से निवास कीजिए। देवताओं की ये बात सुनकर के परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने शहर से वैसा ही किया। वहां जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओमकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा ही, परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओमकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभ ध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को चले गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अभीष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर जी का पूजन करता है
वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता है और अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, ओमकार में जो ज्योतिलिंग है प्रकट हुआ और उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब यहाँ तुम्हें बता दिया। इसके बाद में उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूँगा। अध्याय 18 पूर्ण।